हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर मशरूम। मटर मशरूम बनाने के लिए हमने लिए 200 ग्राम मशरूम, 100 ग्राम मटर, दो कटे हुए प्याज, एक टमाटर, लहसुन की 10 कलियाँ, आधा इंच अदरक और हरा धनिया ले लिया है। इसको हम एक कढ़ाई में डालेंगे। पहले डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज को सुनहरा होने तक भून के थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और उसमें डालेंगे एक टमाटर कटा हुआ। टमाटर को भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे सॉफ्ट होने लगेगा टमाटर तो उसको चलाएंगे। टमाटर के साथ साथ प्याज को भी अच्छे से भून के उसी में हम डालेंगे 10 कलियाँ लहसुन की और उसके साथ डालेंगे एक आधा इंच जो अदरक लिया था हमने वो डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हरा धनिया। धनिया डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छे से आता है। और उसी कढ़ाई में हम वो डालेंगे मटर और मशरूम। मटर और मशरूम को थोड़ा चलाएंगे। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच। हल्दी डालने से भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छे से आता है और कलर भी मशरूम का अच्छा आएगा। उसके बाद डालेंगे मसाला। मसाला डालने के बाद ये जाएगा प्याज लहसुन मसाला। प्याज लहसुन मसाला ये जो हमने बनाया है वो घर का है। उसमें डालेंगे 3 तेज पत्ते। तेज पत्ते डालने से भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। इसको थोड़ा चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, उसमें डालेंगे जो मसाला हमने पीसा था वो सब डाल के अच्छे से चलाएंगे। इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी सब्ज़ी में आ गया है और इसी में हम उसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद डालेंगे गरम मसाला और ये जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से भी अच्छा स्वाद जाता है सब्ज़ी में। उसके बाद जाएगा नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार रख सकते हैं, जैसे आप रेगुलर अपने घर में यूज़ करते हैं। उसी के साथ सब्ज़ी को थोड़ा चलाएंगे और इसी में डालेंगे थोड़ा सा पान। थोड़ा सा कुक करेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। सब्ज़ी पक गई है और हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम से सब्ज़ी का स्वाद भी अच्छा आ जाता है और सब्ज़ी का टेक्सचर भी अच्छा बन जाता है। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट एकदम। देख के मुँह में पानी आ जाए ऐसे लग रहा है। आप इसको रोटी के साथ या नान के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसको डालेंगे हरा धनिया और सजाएंगे। थैंक यू।